रट्टा मार मार मार, ये चीज याद रखो कि रट्टा मार, एक ही पोर्शन काम करना है, रट्टा मार। इतना रट्टा मार लो, इतना रट्टा मार लो कि उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो देखते लगे ये तो ऐसे ही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा जाना ही। हर टाइप को लिखो, नोट्स बना लो, अभी तुम्हारे पास 15 दिन है, जब तक फॉर्म पढ़ने तब तक दिन है, नोट्स बनाओ, उसी बीच में उसको क्या कर डालो, रट्टा मार डालो। अब देखो क्या है, प्रैक्टिस तो चैप्टर वाइज में कर ही लेते हो, सभी प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर वाइज में, सभी चैप्टर वाइज में अच्छा ही करते हैं, कोई गड़बड़ नहीं करता है। गड़बड़ कहाँ से स्टार्ट होती है, जब तुम फुल करते हो, फुल मतलब पूरी मैथ के एक साथ, गड़बड़ वहीं से होती है। तो उसको तरीका क्या है सही करने का, तरीका ये है कि पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो नोट्स बनाई हमने उसको रट्टा मारेंगे, पूरी तरीके से रट्टा मार लेंगे, हर एक टाइप का हमें रट्टा मारा हुआ रहेगा। अब क्या होगा कि टाइप वाइज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस भी मुझे प्रैक्टिस सेट सॉल्व जो करनी है वो टाइप वाइज नहीं करनी है, मतलब चैप्टर वाइज नहीं करनी है, फुल टाइप प्रैक्टिस सेट करनी है, फुल। एक दिन में 3 या 4 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। जब मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट आप दोगे, 1-1 घंटे 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, 1-1 घंटे का 3 मॉक टेस्ट दे दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 मॉक टेस्ट तो आप दे लोगे। अब जैसे 3 मॉक टेस्ट आप फुल मॉक टेस्ट दोगे तो जो मैथ्स के पोर्शन में मान लो आपका प्रश्न के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, मार कर लो, मान लो प्रश्न क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, मेंसुरेशन क्वेश्चन आप उठा ही नहीं पा रहे, ठीक कर लो कि मुझे 2 पोर्शन हो गया, ये दिक्कत दे रहा है, उनको अलग नोट करो, चैप्टर में उठाओ, एक तरफ से सारे क्वेश्चन लगा डालो, यही है तरीका बेटा, यही हम सबको सिखाते हैं, और सच्चाई है जितने बच्चों सिलेक्शन भी हुआ ना वो यही फॉलो करते हैं, जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करो आंख बूंद के, कोई दिक्कत नहीं है, यही तरीका है। अब उसके बाद फिर जैसे आप प्रश्न क्वेश्चन सही होने लगेंगे इसके क्वेश्चन, तो वो तुम्हारे टेस्ट में नंबर बढ़ा देगा, अब तुम्हें कोई दूसरा चैप्टर होगा जो तुम्हें दिक्कत देगा तो बस उसको पकड़ो सॉल्व कर डालो, एक एक चैप्टर को मजबूत करना है फिर, और बाकी देना है फुली टेस्ट, समझ नहीं आ रही है, और एक ही उपचार है इसका, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और इनके टाइप वाइज का क्या मान लो सीधे रट्टा, नहीं हो पाएगा बेटा, ऐसे नहीं हो पाएगा, हम पहले बता रहे हैं, ये तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि सब याद रहे, याद रहने मतलब क्या, वो भी एक टाइप का रट्टा ही तो हुआ ना प्रैक्टिस कर करके, और या सीधे रट्टा मार लो, इसके नीचे लेकर 100 के नीचे नहीं छोड़ो, हम 120 नीचे आ जाएंगे ना, 130 नीचे भी आ जाएंगे तो चांस नहीं है, 120 से 130 से ऊपर आना, हम बोले 132 नंबर लेकर आओगे नॉर्मलाइजेशन के बाद चले पहुँचा ही देगा वो, तो 132-133 भी ला रहे हो तो मतलब ठीक ठाक में हो, नॉर्मलाइजेशन के बाद तुम 140 पहुंच जाओगे, मतलब 140 हमारा कहने मतलब लास्ट फाइनल कट ऑफ होनी चाहिए, यहाँ ये हमारा 140 नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 130 से टेस्ट में नीचे नंबर आ जाएं, समझ जाना कि अब हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, जिस पोर्शन में गड़बड़ कर रहे हैं उसको सुधार करना स्टार्ट कर दो, पीछे पड़ जाओ हाथ धोकर, तो ऑफकोर्स काम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन काम को मैनेज करना भी हमारे हाथ में ना, काम को मैनेज करो, काम को इंजॉय करो, साथ में अपनी पढ़ाई भी करो, क्या दिक्कत है। अपने पास 4 सेक्शन होते हैं इसके, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स और जीके जीएस। नंबर की बात करो, हिंदी कितने नंबर की आती है, 40 नंबर। हिंदी में मोस्टली बच्चे 40 में 40 लाते हैं, ये बात दिमाग में डाल ली, मोस्टली बच्चे, अगर हम जितने हमारे यहाँ जो बच्चे सिलेक्शन जो है उनकी बात करें, जो अभी लड़की ट्रेनिंग में चले उसका क्या नाम है, वो भी 40 में 40 टॉप देती थी यहाँ पे, उसके मैथ्स में थोड़े भले कम हो जाए, इसकी जीके और रीजनिंग भी बहुत अच्छी थी, मैथ भी अच्छी थी लेकिन नंबर के ऊपर नीचे हो जाता था, ठीक है, तो उसके नंबर ओवरऑल प्रांशु ज़्यादा हैं, उसके ओवरऑल नंबर प्रांशु से 1-2 नंबर ज़्यादा ही हैं, एवरेज बराबर ही है, लगभग आई थिंक 132 हम लोग कुछ उनके, प्रांशु भी 132 के आसपास है, दोनों लगभग अप्रोक्स ही आसपास है, लेकिन उस शुरुआत में उसके जरूरत में ज़्यादा थे, नॉर्मलाइजेशन में प्रांशु के नंबर ज़्यादा बढ़े थे उसके कम बढ़े थे, तो इसलिए बराबर आ गए थे नंबर। नॉर्मलाइजेशन का तरीका अलग होता है, उसका फॉर्मूला एक दिन बता देंगे, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मशीन पढ़ा जाता है सब, हम बता देंगे बाद में। हिंदी में 40 में 40 आनी चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये स्कोरिंग पार्ट है, अगर ये नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा तो हम इसको 38 गिन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं गिन सकते, मतलब एक क्वेश्चन गलत कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, गलत का मतलब छोड़ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है। रीजनिंग में 40 में कम से कम 38 हम गिन सकते हैं, इससे कम ला रहे हो गड़बड़ है, ठीक है। मैथ्स में हम 40 में वैसे 40 में यही तो स्कोरिंग पार्ट है, इसको तुम छोड़ नहीं सकते हो यार, देखो जो बात तो साफ बात है, क्योंकि जीके तो तुम भूल जाओ, तुम 40 में कुछ ला पाओगे, हम मानते हैं जीके में अगर कितने क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन होते तो इसमें तुम 13-10 उठा पाओ, 10 से अगर 15 के बीच में तुम उठा पा रहे हो मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन उठा ले गए, मेरी बात समझ पा रहे हो, इससे नीचे उठा पा रहे हो ना तो गड़बड़, मतलब 30 नंबर तुम्हें इससे लाने हैं कि 20 से 30 नंबर के बीच में तुम्हें इससे आएंगे, यही तुम्हारा नंबर कट, यही क्योंकि यहां अगर तुम गड़बड़ कर रहे हो तो यहां तो तुम जीवन में कभी नंबर नहीं ला सकते हो, क्यों, यहां तो बेटा किस्मत की बात होती है, पढ़ा पढ़ा एकदम फंस गया, रट्टा मारा मराया,
जैसे यार हम उड़ा दोगे सारे क्वेश्चन ना पढ़ा पढ़ा बसा, तो अच्छे अच्छे टीचर इसमें भूल ले जाते हैं ना। अब अगर हम इसकी बात करें मैथ की, तो 40 में से बहुत कम किए तो 36, इससे मैथ में कम नहीं होने चाहिए, इससे कम नहीं। दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत को, बस ज्यादा नहीं, दो क्वेश्चन छोड़ सकते, ज्यादा नहीं छोड़ सकते हो, इससे ज्यादा छोड़े। अब देखो टोटल काउंट करो, अब जरा अब इसका 20 नंबर काउंट करो, इसका काउंट करो, काउंट करो कितना होता है, कितना होता है 142। क्या मेरा रेशियो गलत है 140 का? तब 140-142 नंबर आएंगे। अब समझो इससे कम नंबर नहीं लाना है। और सिलेक्शन सच बताऊं तो जो सिलेक्शन लाते हैं, जितने अभी तुम ऐसे बच्चे हो, मतलब सभी नहीं पढ़ रहे हो, नहीं इसी में ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो सच में इधर 40 में चाहे टॉप देते हैं, इधर 40 में चाहे टॉप देते हैं, तब जाके कहीं वो एवरेज 40-42 नंबर ला पाते हैं। तो तुम्हें क्या करनी है, हिंदी अपनी इतनी अच्छी कर लेंगे, हिंदी में कोई डाउट ना रहे, रीजनिंग और मैथ इनको एकदम जड़ से मजबूत करो। जीके में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कम भी ज़्यादा हुआ तो चल जाएगा। और अगर जीके भी तुम्हारा गड़बड़ है, पता चला हिंदी भी तुम्हारा गड़बड़ है, मैथ भी गड़बड़ है, तो पेपर तो बेटा तुम बस देखने जाओगे, बाकी थ्योरेटिक सा तुम्हें पहले ही कन्फर्म होगा कि निकलेगा तो नहीं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, रट्टा मारना स्टार्ट कर दो, दिन में कम से कम नहीं तो 5 घंटे रट्टा मारो। हाँ मारते हैं, अब प्रांशु रात रात भर रट्टा मारते थे, तब जाके वो मैगजीन पूरी याद कर पाए थे, पूरी मैगजीन उसके करंट अफेयर कभी फंसा नहीं था एक भी, तो ऐसा होता है ना। तो कहानी अगर पूरी रात रट्टा मारते थे बैठ के, आवाज़ें हमारे कान तक आती थी, पूरी रात रट्टा मारे थे लगातार 25 दिन, तब जाके वहाँ पे कुछ अच्छा कर पाए थे ना। समझ में आ रही बात? तो रट्टा तो मारना पड़ेगा बेटा अगर सिलेक्शन लेना है तो लगभग 5 घंटे तुम्हें रट्टा मारना है, ठीक है। 3 मॉक टेस्ट दोगे, 3 घंटे निकाल लो, 2 घंटे एनालिसिस निकाल लो, 5 × 3 = 5, लगभग 10 घंटे की पढ़ाई तुम्हें रेगुलर करनी है। 1 महीना तुम्हें 10 घंटे की पढ़ाई रेगुलर करनी है, सिलेक्शन तब होगा। और इससे ज्यादा के बच्चे पढ़ाई करते हैं, सच्चाई तो इससे ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। अभी देखने का टाइम आएगा, अभी देख लेना, इससे ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तुम अपने साथी जो तैयारी करें उनसे भी ले लो, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम देना नहीं चाहते हैं, एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जो सिलेक्शन पाए हैं उनसे चाहो तो कॉल करके बात कर लो कि भैया आप कितने घंटे एग्जाम पीरियड में पढ़े होगे, तो बताएंगे आपको, तब जाके उनको सिलेक्शन मिला है। GD वगैरह में कंपटीशन टफ है बेटा, SSC वाले बच्चे भी कुछ जाते हैं, ठीक है ना।